डाउटनेट की एक लेगेसी है कि हम बिलीव करते हैं टॉपर्स बनाने में। अभी आपने जिन भी बच्चों की फोटोज देखी है उन्होंने अपनी अपनी क्लास में टॉप किया था एंड अब आप लोग आ चुके हो क्लास टेंथ में एंड वी बिलीव कि हम लोग इंडिया में इतने सारे टॉपर्स प्रोड्यूस कर सकें, हर एक बच्चे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट बना सकें और आप लोगों को हेल्प कर सकें आपकी ड्रीम्स को सच बनाने में। सो क्लास टेंथ सबसे पहली बात बहुत अलग होती है। अभी तक तुम लोगों ने क्लास एट्थ में क्लास नाइन्थ में जो भी पढ़ा था, क्लास टेंथ इज़ वेरी डिफरेंट। ये अलग प्रिपरेशन मांगती है। क्लास एट्थ तक नाइन्थ तक जो तुम लोग पढ़ते आ रहे थे वहाँ पर कंपटीशन तो क्लास में उन्हीं बच्चों के साथ था जिनको तुमने थ्रू आउट द ईयर देखा है, लेकिन अब जो है कॉम्पिटिशन इतना ना रह करके इतना ज़्यादा हो चुका है क्योंकि लाखों बच्चों के साथ कम्पीट करने वाले हो और जितनी बड़ी हमारी जंग होगी उतनी ही मेहनत के साथ और उतनी ही तगड़ी तैयारी भी हमें करनी है। So, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर टू स्टार्ट अ प्रिपरेशंस फॉर क्लास टेंथ। यहां पे मैं आपको हेल्प करने वाली हूं। तो कैसे शुरू करें फिर हम हमारी क्लास टेंथ की तैयारी? तो सबसे पहले तो ये जानो कि क्लास नाइन्थ तक, हाँ 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं क्लास नाइन्थ तक, आप लोगों को ना आपकी टीचर थी स्कूल में जिससे आप बहुत फेमिलियर हो, जिससे आपने साल भर पढ़ा है, जानते हो उनको, वही आपको पढ़ाती थी, वही आपका क्वेश्चन पेपर बनाती थी और वही आपके आंसर शीट को चेक भी करती थी। तो टीचर्स की यार एक होती है, हम बहुत ही अच्छे होते हैं, हम लोग ना जानते होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनका लेवल क्या है, किस हिसाब से, तो हम क्वेश्चन पेपर भी उस हिसाब से सेट करते हैं और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना कई बार क्लास में प्रैक्टिस करवा देते हैं। लेकिन क्लास टेंथ में ये नहीं होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन पेपर बाहर से बन के आ रहा है, एग्जाम देने बाहर जाओगे, आंसर शीट तुम्हारी बाहर चेक होगी, तुम उस इंसान से कभी मिले नहीं, तुम उस इंसान को कभी जानते नहीं हो और तुम्हें नहीं पता वो किस हिसाब से, किस मेंटालिटी के साथ है ना, क्या क्वेश्चन सेट कर सकता है, किस हिसाब से आपको जज करने वाला है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आता है और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, एक बच्चा जो होता है ना उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये होता है कि हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हमारी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली बुक से पढ़ें। दोनों ही ऑप्शंस में कोई गलती नहीं है। वीडियो लेक्चर्स से अगर आप तैयारी करते हो, बुक से तैयारी करते हो, पढ़ाई आप कहीं से भी करो, लेकिन प्रोसेस जो है वो इस तरीके से फॉलो होता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका नाम तुमने अपनी पूरी लाइफ में कई बार ही सुना होगा लेकिन सीरियसली नहीं लिया होगा, वो है नोट्स। बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके पास यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और ध्यान रखना ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्योंकि टॉप मारोगे तो ये नहीं कि केवल इंग्लिश पढ़ लिया, केवल PCM और अपन ने बायोलॉजी कर लिया तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। SST, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग जो भी हैं आपके पास सब्जेक्ट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट हिंदी, कंप्यूटर, संस्कृत जो भी तुम पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट। हर एक सब्जेक्ट को ध्यान दे करके चलना है, उतनी अहमियत दे करके चलना है। साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहो अपने, और ये जो नोट्स हैं ना ये आपको अंत में जाकर के मदद करने वाले हैं आपका ड्रीम को जो है उसे पूरा करने में, जो कि है टॉप करना। सो नोट्स बना करके चलो, स्टार्टिंग से बना करके चलो। और नोट्स जो है ना, अब यहां पर समझना, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है एवरेज किड और एक होता है टॉपर। एवरेज को भी टॉपर बनाना है हमें इस बारी। सो तैयारी कैसे करनी है कि वो जो नोट्स हैं वो नोट्स इतने प्रिसाइज होने चाहिए कि आप अपने एग्जाम से पहले जब पढ़ने बैठो तो नोट्स से तैयारी कर लो, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़े, आपको कोई वीडियो लेक्चर भी उठा करके ना देखना पड़े एंड वो नोट्स जो हैं वो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है, जो आपके लिए ज़रूरी है। एंड गाइज, सबसे एक बड़ी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी वो ये बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन स्कूल। पूरे तरीके से स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। स्कूल में कई बार क्या होता है कि स्लो स्टार्ट करते हैं, है ना, अभी अभी बच्चा 9th से 10th में आया है, टीचर्स काफ़ी स्लोली पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जाकर कितनी जल्दी पढ़ाने लग जाते हैं तो आप लोगों को ढंग से नहीं समझ में आता है कई बार सिलेबस बहुत जल्दी कवर होता है तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार स्टार्टिंग में ही पूरा सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी कवर करवा दिया जाता है एंड उसके बाद आपके पास पूरा टाइम होता है जहाँ पर आप उसको रिवाइज करें। तो मैं बोलूँगी कि स्कूल पर पूरे तरीके से आपको डिपेंड नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। आपके पास पूरा ऑनलाइन, तुम्हारे पास वो जो फ़ोन है ना छोटा सा, वो तुम्हारी पूरी दुनिया है। अब उसके अंदर तुमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपके पास वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं देखने के लिए, आप उन वीडियो लेक्चर्स को जा करके देखो, आपको नोट्स अवेलेबल हैं आप उनको जा करके देखिए। अगर आप चाहते हो आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। अगर अच्छा, एक बच्चा कई बार क्या होता है कि सोचता है कि वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने में इतना मज़ा नहीं है, मैं ना बुक से पढ़ना चाहता हूँ। आप NCERT से पढ़ें कि आप वीडियो लेक्चर्स से पढ़ें, वीडियो लेक्चर्स आर गोइंग टू हेल्प यू कि आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी और इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नोट्स बनाने के बाद भी ना एक पैटर्न फॉलो होता है, बहुत बच्चे इस पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते हैं, इस वजह से वो 75 और 95 का जो गैप है ना वहाँ पर आ जाता है। पैटर्न कुछ इस तरीके से कि आपने जो भी पढ़ाई करी है आप अपनी बुक्स को भी रेफर करो, वीडियो लेक्चर्स को भी देखो,
उसके बाद आप बनाओ अपने खुद के नोट्स, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो उन नोट्स को बनाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए, उसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखो, वहाँ से आपको आइडिया लगता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या बार बार पूछा जा रहा है, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके नोट्स में जाने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद सिर्फ उसे बैठा करके सजा करके देखना नहीं है कि वाओ मैंने कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, आपको उसे रिवाइज करना है। और यही स्टेप जो है 75% वाला बच्चा जो है ना वो नहीं करता, इसलिए 75 पर अटक जाता है, और 95% इनफैक्ट 100% लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यही स्टेप जो है वो बार बार रिपीट करते हैं, थ्रू आउट द ईयर रिपीट करते हैं। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मस्ट, आपको रिवाइज करते रहना है। आपके जितने भी नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। जितनी बारी एग्जाम में बैठने से पहले, प्री बोर्ड्स हैं तुम्हारे, उसके बाद बोर्ड्स आते हैं, एग्जाम में जाने से पहले जितना रिविजन होगा उतने ज़्यादा तुम्हारे चांसेस हैं अच्छा स्कोर करने के और 100 out of 100 लेकर के आने के। अब यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ कहूँगी कि अभी कोई एक सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है, कोई एक सब्जेक्ट इतना पसंद नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स पे बेटा अच्छे से ध्यान देना है। हाँ मैं जानती हूँ किसी एक बच्चे का क्यों एक स्ट्रेंथ होगी, कोई बोलेगा मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, आई लव इट, कोई बोलेगा मुझे इंग्लिश पसंद है, मेरा मैथ्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट हमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे करके चलनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उस 100% में, तो सभी सब्जेक्ट्स को अहमियत दे करके चलिए। सो एक और यहाँ पे चीज़ आती है कि क्लास 10th में है यार, हम लोग आज तक ना कभी बोर्ड्स नहीं दिए हैं, पता नहीं है क्या होता है, इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। क्लास में तो मैं टॉप मार लिया करता था, यहाँ पे मैं उस चिंकू को हरा दिया करता था, शर्मा जी का लड़का जो है वो हमसे कम मार्क्स लेकर के आता था, हम 80% हमारे लिए ऐसे होता था कि तालियां बजती थी। लेकिन क्या वो 80% इनफ है जब आप पूरे इंडिया में इतने लाखों बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे हो? तब मुझे लगता है ना वो 80% कैसा लगता है, वो 80% 50-60 जैसा लगता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हमारे भी बाप बैठे हैं बॉस, और बहुत बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके साथ तुम्हारा कंपटीशन है, तो अपने कंपटीशन को पहचानो। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब हम कुछ नया करने जाते हैं ना तो बहुत डर लगता है, और डर लगना लाजमी है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप कुछ सही कर रहे हो और आप कोई नई चीज़ करने जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता कैसे करूं, क्या करूं, बहुत घबराहट हो रही है, उस घबराहट को अगर ओवर पावर होने दिया, ओवर शैडो होने दिया, तो फिर वो घबराहट ना हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी और यहीं पे सारा काम जो है बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो गाइडेंस ही जो है ना आगे जा करके आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। कैसे तैयारी होगी, कब तैयारी होगी, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आंसर कैसे लिखें, क्या क्या होता है, एवरीथिंग। अब आते हैं हम हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि मैम कैसे तैयारी करनी है, वो तो बता दिया, कब से करें तैयारी, एक रात पहले, एक महीना पहले तो काफ़ी होता है, 9th क्लास में मैंने टॉप किया था, कैसी बात कर रहे हो आप, एक महीना पहले पढ़ाई करनी शुरू करी थी और देखो मेरे क्या रिजल्ट आए थे, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी मेरी। तो बेटा वो स्कूल था और वो 9th क्लास थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है, बता रही हूँ ना मैं तब से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेवल सब कुछ अब बढ़ चुका है। सो वो 9th स्टैंडर्ड था, वहाँ पे एक महीने पहले पढ़ के तुम लोग तैयारी कर ली तो तुमने कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन 10th इज़ डिफरेंट। यहाँ पढ़ना मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, अ ड्रीम डज नॉट कम ट्रू थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, पसीना खून पसीने की मेहनत। अब ऐसा भी नहीं है कोई डर जाएगी, अरे यार आपने तो डरा दिया इस वीडियो के बाद कि बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड है, इट्स नॉट हार्ड, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू एवरीथिंग इज़ ईजी, और वो गाइडेंस मिलेगी आपको, सारी चीज़ें हम आपको बता करके चलेंगे। अब इतना अच्छा रिजल्ट हमने ऐसे ही डिलीवर नहीं किया है, और यही तैयारी इसी तरीके से आपको शेप करना है। अभी तक 9th स्टैंडर्ड में हम बहुत रॉ थे, बस वही क्वेश्चन आंसर जो मैम ने नोटबुक बना रखी थी, चेक हो जाती थी वो नोटबुक, वहीं से पढ़ लिया और वहीं से क्वेश्चंस आ गए। अब 10th में अब आपको प्रॉपर मोल्डिंग की ज़रूरत है, शेप देने की ज़रूरत है। वो पसीना जो है ना, वो वही पसीना जो रात भर बैठ करके हम लोग पढ़ेंगे, वो डेडिकेशन के साथ, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि आज पढ़ा, आज एक दिन में पूरा सिलेबस कवर करने की सोच ली, उसके बाद डिप खा गया, रिविजन नहीं करा, कभी नोट्स बनाए नहीं बनाए, किसी और के बोरो करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करता है। सो कब शुरू करना है, अभी इसी वक्त शुरू करना है, कोई टाइम नहीं आएगा, कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा, कोई आकर के बताएगा नहीं कि मोहन प्यारे अब जाग जा टाइम आ चुका है, तुम लेकर के आओगे उस टाइम को, और अच्छा टाइम जो है, रिजल्ट जो है तुम्हें डिलीवर करना है। आप जानते हो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ना, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ साथ शुरू करेंगे हम लोग,
अच्छे से फोकस के साथ शुरू करेंगे हम लोग, तो जितना जल्दी हम स्टार्ट कर लेते हैं, जितना जल्दी हम रियलाइज कर लेते हैं इस चीज को, उतना बेहतर है। क्योंकि जब तक हमारा वो डी डे आने वाला है ना, जिस दिन हम लोग एग्जाम में बैठेंगे, हमारी तैयारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि आप खुद ही सोच सकते हो कि फिर रिजल्ट हम उस लेवल का देंगे। अब क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो ये थोड़ी कि बस एक दिन नेट प्रैक्टिस कर लिया और उसके बाद हम आईसीसी वर्ल्ड कप खेल करके और ट्रॉफी इंडिया के हाथ में। पाकिस्तान को हराने के लिए यार अपन चार चार साल का गैप आता है ना, वो चार चार साल अपन जो है प्रैक्टिस करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। केवल एक दिन डाइटिंग कर लेने से हम सोचेंगे या फिर एक महीने की प्रैक्टिस कर लेने से हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, नहीं हो पाता है। वो प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए, डेली बेसिस पे चाहिए, और वही चीज़ जो है रिजल्ट डिलीवर करवाती है। सो कभी भी नहीं एक दिन पहले, एक महीना पहले, प्री बोर्ड से पहले नहीं, अभी शुरू करना है और प्रॉपर गाइडेंस के साथ शुरू करना है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि वेयर टू स्टार्ट, कहाँ। अब मैम आपने बता दिया कैसे तैयारी करूँ, समझ में आ गया, कब शुरू करना है, अभी शुरू करना है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन कहाँ, मैं कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें, गाइडेंस मुझे कैसे मिलेगी, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। मैंने भी फेस करी, आई वॉन्ट लाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी तुम लोगों से, ये इशू मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में फेस किया है कि गाइडेंस नहीं मिल पाती है। अब इतना टेंथ में भैया कैसे, मतलब होता है ना ट्यूशंस जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम अपने दीदी भैया से पूछते हैं, भैया आपने कैसे तैयारी करी थी, भैया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में, और हमें चाहिए होता है कोई एक प्रो बंदा, कोई एक बढ़िया एक्सपीरियंस बंदा जो हमें बता दे, जो हमारे क्वेश्चंस को सुन सके, समझ सके, जिसने एक्सपीरियंस कर रखा हो और वो प्रॉपर गाइडेंस दे सके। आती है ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस हुई थी, और ये लैक ऑफ जो गाइडेंस है ना, यही आगे जा करके ना ऐसे काफ़ी बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। सो आप लोगों की पूरे तरीके से तैयारी करवाने के लिए डाउटनेट पे हमारे पास बेहतरीन टीम तैयार है, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी, जो आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाली है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ज़रूरी है, कैसे कैसे पढ़ना है, हर एक कदम पे आपके साथ खड़ी रहेगी। गाइडेंस के साथ ही साथ हमारा ये जो अचीवर्स बैच हम लेकर के आ रहे हैं, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। नोट्स की जो मैं बात कही थी, वीडियो लेक्चर्स, डिटेल्ड में वीडियो लेक्चर्स, हमारी जितनी भी टीचर्स हैं यहाँ पे सबके आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उसके साथ ही साथ हर एक लेक्चर के आपको टीचर्स की स्लाइड्स मिलने वाली है, ताकि तुम घर पर बैठ करके पढ़ाई कर सको, कंसिस्टेंसी बनी रहे। होमवर्क देने वाले हैं इसके लिए हम आपको, नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। डाउट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मैंने देखा है मतलब जब क्लास टेंथ आता है ना, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है अपने आप प्रेशर में होते हैं, और इस प्रेशर का कहीं ना कहीं फ़ायदा पता है क्या हो जाता है कि कोचिंग सेंटर में ये जो है 60-60, 80-80 बच्चों के बैचेस चालू हो जाते हैं, जिसके अंदर बैठे तो बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं है ना। कोई एक बच्चे को किसी चीज़ में डाउट आ गया, किसी एक बच्चे को कोई चीज़ समझ में आ गई, तो वो बच्चा जो है वो डाउट पूछने में हिचकिचाता है, उसका डाउट का सॉल्यूशन उसे नहीं मिल पाता है, और अगर वो पूछ भी ले तो कई बार ये होता है ना कि टीचर ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास को समझ में आ गया, तो एक बच्चे के लिए क्या ये कॉन्सेप्ट रिपीट करना। तो ये डाउट वाला फैक्टर जो है ना, ये आगे जाकर के हमारे मार्क्स काट लेता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आंसर क्या करें। ये डाउट्स का फैक्टर यहाँ पे जो है वो हमने पूरे तरीके से हटा दिया, क्योंकि आप लोगों को लेक्चर्स के थ्रू जो है ना, कभी भी कोई डाउट अगर लगता है तो आपको कमेंट सेक्शन में #doubt डाल के आप जैसे ही पूछते हो अपना डाउट, आपको विद इन सेकेंड्स जो है उसका आंसर मिलता है, और प्रॉपर तरीके से आंसर मिलता है। सभी सॉल्यूशंस है हमारे पास, मैथ्स वगैरह एवरी सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करें। सो अब तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉपर प्लान क्या है, अब आपको एक मैप मिल चुका है, अब बस इस मैप को फॉलो करना है। हम सभी टीचर्स ने अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैप बना रखे हैं, बस आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, आपको हमारी गाइडेंस को फॉलो करना है, हमारे कहे हुए एक एक स्टेप को, कि बेटा पहला ये कदम, दूसरा ये कदम, और कदम कदम पे हम तुम्हारे साथ है, तो हर एक स्टेप हमारे साथ लेना है, और देखना कि इस बार तुम्हारी अगर फेस यहाँ पर ना आए, तुम करोगे टॉप, और ये हमें पूरा भरोसा है, बस आपको ये भरोसा अपने अंदर लेकर के आना है।